तो आज हम लोग करने वाले हैं Realme 7 Pro का अनबॉक्सिंग, जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है 6 GB रैम 128 GB वेरिएंट। तो वीडियो में बने रहना, आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग तो होने वाला ही है और आपको भी मज़ा आएगा एक नया अनबॉक्सिंग देखने के लिए, वो भी हमारे चैनल में। तो Realme 7 Pro बहुत ही कमाल का फ़ोन है, जिसका फर्स्ट लुक और फर्स्ट हैंड्स ऑन मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना, आई होप आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आएगा। तो ये एक डिटेल अनबॉक्सिंग होने वाला है Realme 7 Pro का। बात करेंगे कैमरा के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, और ओवरऑल कैसा फ़ोन है, और क्या 20,000 में सच में आपको ये फ़ोन परचेज करना चाहिए या नहीं, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो फिर शुरू करें। तो कुछ इस तरह का मुझे बॉक्स रिसीव हुआ है फ्लिपकार्ट की तरफ से। बॉक्स पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा ओपी है। तो चलो इसे अपने खंजर से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसे कट कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स अंदर क्या मिलता है। तो कट हो जाए भाई, हाँ कट हो गया है। अब बॉक्स के अंदर आपको बॉक्स मिलता है जो है एक स्मार्टफोन का बॉक्स, ऑफकोर्स Realme 7 Pro है। तो चलिए इसे साइड में रख लेते हैं और आपको कुछ इस तरह का बॉक्स देखने को मिलता है Realme 7 सलमान भाई एडिशन, मतलब 7 Pro देखने को मिल जाता है। 6 GB की रैम, 128 GB स्टोरेज। तो सच बोलूँ तो बॉक्स का जो डिज़ाइन है ना, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बॉक्स पैकेजिंग बहुत ही अच्छा है, पीछे में आपको की हाइलाइटिंग फीचर्स देखने को मिल जाता है। वेट करो, पूरा स्पेसिफिक मैं इस वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। चलिए फिर से अपने खंजर से इसे, इस प्लास्टिक को हम लोग अनरैप कर देते हैं और कुछ इस तरह का वो बॉक्स मिलता है। तो एक सील भी है इसमें लगा हुआ है, तो सील भी हम लोग फिर अपने खंजर से यहाँ पे काट लेते हैं इसे, और कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। चलो रिमूव हो जाओ, हाँ। तो लीड मैं हटा लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से आपको फ़ोन देखने को मिल जाएगा जैसे आप इसके लीड को हटाओगे। तो फ़ोन को साइड में रखते हैं और बात करते हैं इसके लीड के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है, इसके कवर में क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एक TPU केस, तो हल्का फुल्का केस है, तो फुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, ब्लैक कलर में हल्का देखने को मिलता है, ब्लैक ट्रांसपेरेंट आप हो सकते हो। तो हल्का फुल्का केस है, इससे आप अपने फ़ोन को प्रोटेक्टेड बना सकते हो। साथ में कुछ पेपर वर्क आपको मिल जाता है बॉक्स के अंदर, जो कुछ ही काम का नहीं है। तो चलिए इस सब चीज़ों को साइड में रखते हैं और बढ़ते हैं अपने फ़ोन की तरफ, अभी नहीं थोड़ा और इंतज़ार। तो बॉक्स में आपको मिल जाता है केबल, USB केबल, टाइप सी केबल मिल जाता है, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज कर पाओगे और डाटा फास्ट भी ट्रांसफ़र कर पाओगे। तो इस तरह का टाइप सी केबल मिल जाता है। बात करें अडेप्टर के ऊपर, तो कुछ इस तरह का मैसिव अडेप्टर है 65 वॉट का, जो आपके फ़ोन को जीरो से लेकर 100% 34 मिनट में कर देगा। अमेजिंग बात है। तो कुछ इस तरह का आपको 65 वॉट का चार्जर मिल जाता है। तो अब सभी चीज़ों को साइड में रखते हैं, अब डायरेक्ट बढ़ते हैं फ़ोन की तरफ। तो कुछ इस तरह का आपको फ़ोन देखने को मिल जाएगा। अभी आने वाला है जीवन का सबसे बड़ा आनंद, इस फ़ोन के रैपर को हटाएंगे। तो जिस तरह का आपको रैपर देखने को मिल जाएगा, इसे आप रिमूव कर दो, फ़ोन आपको मिलता है Realme 7 Pro, जो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब फर्स्ट लुक यार बहुत ही अच्छा है, लग ही नहीं है पॉलीकार्बोनेट बैग के साथ में आता है, प्लास्टिक बैग लगता ही नहीं है, बहुत ही ग्लॉसी है और बहुत ही अच्छा है। मेरे को कोई भी परवाह नहीं है अगर ग्लास हो या प्लास्टिक हो, तो अच्छा फिनिश के साथ में बस आना चाहिए। तो इस तरह का आपको 64 MP का क्वाड कैमरा मिल जाता है, जो सोनी के सेंसर के साथ में आता है, जो इस पर बहुत ही अच्छा Realme ने किया है। तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है, ब्रांडिंग में आपको मिल जाता है। चलिए फ़ोन को बूट कर लेते हैं और बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। तो 6.4 इंच का आपको मैसिव डिस्प्ले मिल जाता है, फुल HD प्लस वाला, और इस बार यूज़ किया गया है IPS डिस्प्ले। ना 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 ना, इसमें आपको देखने मिलता है सुपर AMOLED डिस्प्ले, जो 60Hz के नॉर्मल पैनल के साथ में आता है, लेकिन सुपर AMOLED डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। कुछ पहले से एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड मिल जाते हैं, जिसे आप अनइंस्टॉल कर पाओगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो कुछ इस तरह का आपको देखने में मिलता है फ़ोन का डिस्प्ले, जो फर्स्ट ट्यूब में बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही अच्छा आपको कलर सैचुरेशन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर, ब्राइट बहुत ही अच्छा है, डिस्प्ले का कलर्स बहुत ही अच्छा और व्यूड आ रहा है। तो कुछ इस तरह का मिल जाएगा, सेटिंग्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे अबाउट फ़ोन में मैं जाता हूँ, तो कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है एंड्रॉयड 10 पर आउट ऑफ द बॉक्स है, 6 GB की रैम, 128 GB वेरियंट है ये फ़ोन का, और कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है। अब आपको दिखाता हूँ मैं कैमरा ओपन करके, तो कुछ इस तरह का आपको कैमरा भी मिल जाएगा। तो बात करें कैमरा के ऊपर, तो आपको 64 MP का मेन लेंस है, सेकेंडरी कैमरा 8 MP का है, थर्ड कैमरा 2 MP का है, और लास्ट कैमरा भी 2 MP का है, मतलब 2 MP का कैमरा जबरदस्ती चिपकाया है। तो ये रहा नॉर्मल शॉट जो मैंने इस फ़ोन से क्लिक किया है, और कुछ इस तरह का आपको आता है क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, डिटेल भरा हुआ है, और क्या चाहिए।
तो कुछ इस तरह का वो देखने वाले था। और ये रहा 2x शॉट जो इस फ़ोन से मैंने क्लिक किया है, तो कुछ इस तरह का वो मिल जाता है। चलिए अब मैं फिट करता हूँ इसमें अपना फिंगरप्रिंट और दिखाता हूँ कि कितना पावरफुल इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फ़ोन में आपको मिलता है। तो कुछ इस तरह का आपको, तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी यहाँ पे फिंगरप्रिंट को यहाँ पे रीड ले रहा है, तो बहुत ही अच्छा स्पीड अच्छा है फ़ोन का। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही अच्छा से काम कर रहा है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए यहाँ पे मेरा थंब हो गया है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट हमें सेट हो चुका है। अब मैं दिखाता हूँ लॉक करके और अनलॉक करके। वाओ, बहुत ही तेज, बहुत ही जल्दी से आपके फ़ोन को ये अनलॉक कर देगा। तो कुछ इस तरह का आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर भी, जो बहुत ही अच्छा लगा है फर्स्ट लुक में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। ओवरऑल बात करूँ तो फ़ोन बहुत ही अच्छा है, फ़ोन का वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही अच्छा किया गया है रियलमी की तरफ से। और इस बार जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे दिया ना, सबसे अच्छी बात वही है। तो आपको क्या पसंद है, हाई रिफ्रेश रेट विथ IPS डिस्प्ले या आपको नॉर्मल रिफ्रेश रेट चल जाएगा विथ एमोलेड डिस्प्ले, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो कुछ इस तरह का रियलमी का 7 प्रो निकल गया है, कैसा लगा आपको ये वीडियो और आप फ्यूचर में कौन कौन से टॉपिक्स पे इस फ़ोन पे वीडियो देखना चाहोगे, कमेंट ज़रूर करना। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आपको ये अनबॉक्सिंग रियलमी 7 प्रो का, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी टन से क्लिक करना मत भूलना। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते चिल करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाय। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते चिल करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाय।